हेलो फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल में इस वीडियो में हम लोग बॉर्डर देखेंगे कि पैराग्राफ में कैसे बॉर्डर लगाते हैं, पेज में कैसे बॉर्डर लगाते हैं, उसके बाद बुलेट क्या है, इसको कैसे करते हैं, देन नंबर लिस्ट हम लोग करेंगे, देन मल्टी लेवल लिस्ट भी हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें एंड पूरा वीडियो देखें, और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि पैराग्राफ में कैसे बॉर्डर करते हैं एंड पेज में कैसे बॉर्डर करते हैं, और उस बॉर्डर को हम लोग कैसे कस्टमाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक टेक्स्ट लेते हैं। तो हमने जैसे इसके पहले वीडियो में सिखाया था टेक्स्ट कैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो वो एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है उसको हम लोग लेंगे। उसको हम लोग टाइप करेंगे इक्वल टू आर ए एन डी, ब्रैकेट देंगे इंटर, तो ऑटोमेटिक ये बहुत सारे जो है यहाँ पर टेक्स्ट आ गया ऑटोमेटिक। तो अब इसमें जो है हम लोग बॉर्डर कैसे लगाएंगे, तो समझ गए कि हमको ये इस पैराग्राफ में अगर बॉर्डर लगाना है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे ही इस क्लिक करेंगे बॉर्डर लिखा हुआ आ रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एड और रिमूव बॉर्डर फ्रॉम योर सिलेक्शन। तो अभी हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हुआ है, फिर यहाँ पर हम जाएंगे, अब यहाँ पर आए जाएंगे बॉर्डर एंड शेडिंग में आएंगे। ओके, बॉर्डर एंड शेडिंग नीचे के एरिया में आप देख रहे हैं, जैसे हम बॉर्डर एंड शेडिंग आएंगे तो यहाँ पर बॉर्डर है, अब यहाँ पर नन है, यहाँ बॉक्स है, शेडो बॉर्डर है, 3D बॉर्डर है, कस्टम बॉर्डर है। तो यहाँ पर हम लोग बॉक्स लेते हैं, बॉक्स बॉर्डर में अब यहाँ पर स्टाइल कैसा लेंगे, यही स्टाइल रखते हैं। एंड यहाँ पर हम बॉर्डर का कलर भी चूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग रेड रख लिए, हम लोग रेड ले लिए। एंड बॉर्डर का जो विड्थ भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, से विड्थ हम 1 पॉइंट ले लिया, या इसके बाद यहाँ जैसे हम ओके करेंगे आप देखें कि एक रेड बॉर्डर आ गया। तो ये बॉर्डर जो है एक पैराग्राफ के बॉर्डर में आया। एक और पैराग्राफ में करके हम दिखाते हैं, फिर से यहाँ पर जाएंगे ये बॉर्डर सेक्शन में, यहाँ पर आने के बॉर्डर एंड शेडिंग करते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग में जैसे मैंने किया, यहाँ पर हमने बॉक्स लिया एंड यहाँ पर से थोड़ा सा हम इसको 3 पॉइंट यानी थोड़ा सा विड्थ को बढ़ा देते हैं एंड कलर को जो है ब्लू कर दिया एंड देन ओके किया। तो आप देखें यहाँ पर एक थिक सा बॉर्डर आ गया, दैट इज़ ब्लू कलर का। तो ये हो गया कि पैराग्राफ में हम लोग कैसे बॉर्डर करते हैं। तो हमने इस पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर किया था। आइए अब हम लोग पेज में कैसे बॉर्डर देते हैं उसको सीखते हैं। तो हमने यहाँ पर कर्सर कहीं पर भी रखेंगे, यहाँ पर हम फिर से बॉर्डर में आते हैं, यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग में आएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉर्डर है एंड यहाँ बॉर्डर पेज बॉर्डर से। अब पेज बॉर्डर को हम लेते हैं, हम पेज बॉर्डर को लेने के बाद इसी बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं एंड बॉर्डर का स्टाइल हमने यहाँ चेंज चूज़ करना है, से हम थोड़ा सा इसको वन एंड हाफ पॉइंट जो है बीच रखते हैं एंड और इसमें अगर हम लोग डिफरेंट आर्ट अगर हम चूज़ करना चाहेंगे तो अभी हम लोग आर्ट नहीं चूज़ करते हैं, जस्ट सिंपल हम लोग रखते हैं। आप यहाँ पर आप देखें कि एक बॉर्डर जो है पेज में एक बॉर्डर आगे आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का यहाँ पर बॉर्डर हमने क्रिएट किया। सो यहाँ पर जो है हम लोग कलर चूज़ कर सकते हैं, से हम ब्लू ले लिए, सो ये जो है ब्लू बॉर्डर हो गया। फिर से मैं इसको करके एक बार और दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने कलर जो है कुछ और चूज़ कर लेते हैं, रेड कलर, तो यहाँ पर हम एक बार और करके दिखाते हैं कि बॉर्डर को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं उसका कलर्स एंड ऑल दैट्स। पेज पेज बॉर्डर में आते हैं, बॉक्स लिया मैंने, यहाँ पर हमने कलर रेड कलर दिया एंड रेड कलर देने के बाद ओके किया, सो आपने देखा कि ये रेड पेज बॉर्डर हो गया। नाउ हम पेज बॉर्डर में थोड़ा इसको और सजा के लिए बॉर्डर हम लोग करना चाहेंगे, तो यहाँ पर फिर से हमने बॉर्डर एंड शेडिंग में आते हैं एंड यहाँ पर पेज बॉर्डर हमने सेलेक्ट किया एंड यहाँ पर पेज बॉर्डर के साथ साथ यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो है आर्ट है, तो उस आर्ट को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करें कि हमने यहाँ पर ये हमने इस ये कलर को ले लिया
स्टार को ले लिया, या फिर हमने ये पेंट कुछ भी एक यहाँ पर अगर हम सिलेक्ट करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस एरिया में कैसा दिख रहा है, तो आप प्रीव्यू आप देख सकते हैं कि कैसा लगेगा। तो यहाँ पर से सपोज कीजिए कि मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा तो इस ढंग का देखिए कितना खूबसूरत बॉर्डर जो है ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग पेज बॉर्डर करते हैं एंड पैराग्राफ बॉर्डर करते हैं। और अगर हमको बॉर्डर नहीं चाहिए तो यहाँ पर हम डन में क्लिक कर देंगे। या डन में हमने क्लिक कर दिया तो ये बॉर्डर चला गया पेज बॉर्डर। तो इस तरह से हम लोग पैराग्राफ में बॉर्डर एंड पेज बॉर्डर कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि बुलेट कैसे देते हैं। एंड बुलेट्स हमने यहाँ पर कुछ टाइप कर रखा है पहले से, तो हम लोग पहले नॉर्मल बुलेट्स देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बुलेट सेक्शन है, और ये जो है ये यहाँ पर नंबरिंग सिस्टम है, और यहाँ पर ये मल्टी लेवल है। तो इसमें हम लोग तीनों सीखेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने अगर क्लिक किया तो ये आपका जो जो बुलेट्स बुलेट हो गया। एंड इसमें बहुत सारे स्टाइल्स भी है, तो आप इस ढंग से स्टाइल यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं। एंड तो कोई भी अगर आप यहाँ पर जैसे ये टिक का मार्क है, तो आप यहाँ देखिए आप यहाँ पर जो बुलेट्स आया वो टिक का मार्क में आ गया। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो है बुलेट्स जो है आप अपना नया बुलेट्स अगर डिफाइन करना चाहते हैं, इसमें इस एरिया में नहीं है, मैंने इस सिलेक्शन में नहीं है, तो आप ये न्यू बुलेट में जाइए एंड यहाँ से आप सिंबल में चले जाइए। आप सिंबल में कोई भी सिंबल यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने एक ये वाला हमने सिलेक्ट कर लिया, ओके एंड देन ओके जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने देखा कि ये बुलेट जो है ये सारा बुलेट्स इस ढंग से आ गया। तो ये हो गया नॉर्मल बुलेट्स एंड थोड़ा सा इसमें डिफरेंट हम लोग स्टाइल डाल सकते हैं बुलेट्स के अंदर में। अब वो बुलेट्स को हटाना चाहेंगे, फिर से दोबारा क्लिक करेंगे तो ये बुलेट्स जो है हट गया। तो यहाँ पर हम लोग इसमें जो है नंबर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं इस जगह पर, आप देखिए जैसे यहाँ रखेंगे नंबरिंग आ गया, क्रिएट ए नंबर लिस्ट। तो यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे दिया। नाउ यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, अगर से इस ढंग से अगर हम क्लिक करते हैं तो स्टाइल जो है ऐसे देख रहे हैं ब्रैकेट के साथ एक आ गया। इसी ढंग से अगर हम ए बी सी डी अगर करना चाहते हैं तो बुलेट्स या हमारा नंबरिंग सिस्टम ऐसे बुलेट्स इस ढंग से आ गया। तो फिर हमसे दोबारा हमने क्लिक करा तो ये बुलेट जो है चला गया इस ढंग से। तो ये बुलेट जो है आपका जो नंबर बुलेट चला गया। एक बार और हम लोग देखते हैं। तो हमने सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना है। पहले मैंने बता दिया कि जो भी हम काम करेंगे वर्ड में उसको सारे टेक्स्ट जहाँ तक हम करेंगे उस टेक्स्ट पर जो भी हम फॉर्मेटिंग और चीज़ अप्लाई करेंगे हमको सारे को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया एंड यहाँ पर हम बुलेट्स में गए। यहाँ पर डायरेक्ट अगर हम करेंगे तो ये ए बी सी डी पहले से हमने दे रखा था, तो यहाँ पर 1 2 3 आ गया। यहाँ पर फिर और अगर हम स्टाइल चेंज करना चाहें रोमन में अगर करना चाहें तो ये देखो रोमन में आ गया। और इस ढंग से अगर हमें स्मॉल रोमन्स में अगर करना चाहें तो जैसे भी हमने बुलेट्स करेंगे वो आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि एक बुलेट्स कैसे करते हैं एंड देन नंबरिंग कैसे करते हैं। तो इसको फिर हम हटाना चाहेंगे तो फिर से हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये हट गया। नाउ अब हम लोग आते हैं कि मल्टी लेवल लिस्ट कैसे तैयार करते हैं। सपोज कीजिए कि वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के अंदर कलकत्ता है एंड कोलकाता के अंदर में सॉल्ट लेक राजाराट सियालदा है एंड देन हावड़ा के अंदर बांकड़ा सीपुर है एंड देन तमिलनाडु में चेन्नई है। तो ये एक लेवल हो जाएगा, ये पहला लेवल होगा और ये दूसरा लेवल होगा, उसके अंदर में ये थर्ड लेवल होगा। एंड देन यहाँ पर ये हावड़ा आप देख रहे हैं, इसमें ये दूसरा लेवल का है, वेस्ट बंगाल के अंदर में। तो आज इसके बाद ये थर्ड लेवल होगा एंड तमिलनाडु एक अलग स्टेट से, तो ये पहला लेवल होगा, चेन्नई जो है उसका दूसरा लेवल होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हम लोग जो है अब मल्टी लेवल लिस्ट देखेंगे। तो मल्टी लेवल लिस्ट जो है कैसे करेंगे, हम पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमको सिलेक्ट करना है वेस्ट बंगाल पहला लेवल रहेगा तो ये दूसरा लेवल रहेगा। तो इस सारे को हमने सिलेक्ट करना है, ये पूरा यहाँ तक हमने सिलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया एंड देन इस चेन्नई को भी हमको करना है। तो चेन्नई भी फर्स्ट लेवल में आएगा, डेट इज़ यहाँ से आ गया। ये आपने देख लिया अरेंज हो गया। नाउ सॉल्ट लेक सियालदा जो है ये
कोलकाता के अंदर में आता है, तो इसको फिर से हम यहाँ से पॉइंट तकरीबन 0.2 इंच जो है हम इंडेंट कर देंगे। एंड देन यहाँ फिर इसको ये दोनों को सेलेक्ट करेंगे, फिर जस्ट नीचे की तरफ आएंगे, आप देख रहे हैं लेफ्ट इंडेंट के पास, जस्ट इसके अलाइन कर देंगे, इस सॉल्ट लेक राजा रेट एंड सियालदा के अलाइन कर देंगे। एंड चेन्नई जो है, ये चेन्नई जो है ये कोलकाता एंड हावड़ा के अलाइंड हो जाएगा साइड में। तो आपने ये देखा यहाँ पर, अब इसको हमने पूरे सेलेक्ट करना है। पूरे जैसे हमने सेलेक्ट करके यहाँ पर अगर हम आएंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मल्टी लेवल, तो मल्टी लेवल हम जैसे आएंगे, आप यहाँ पर देखें कि ये मेरा पहला लेवल है एंड ये पहला 1 2 एंड देन वेस्ट बंगाल एंड देन इसके अंदर में ये दूसरा लेवल है 1.1 एंड देन ये सॉल्ट लेक राजा रायट एंड सियालदा ये तीसरा लेवल है। इसी ढंग से हावड़ा जो है वेस्ट बंगाल के अंदर में आता है, तो ये दूसरा लेवल हुआ एंड बांकुड़ा एंड शिवपुरी ये थर्ड लेवल हुआ एंड तमिलनाडु जो है एक अलग ही स्टेट है और इसके अंदर में चेन्नई आता है, तो ये एक जो है सेकेंड लेवल हुआ। नाउ अगर हम चाहते हैं कि ये जो है मेरा स्टाइल थोड़ा चेंज हो, ये 1.1 के बजाय ये 1.A दे या रोमन हमको दे, देन ये हमारे थर्ड में कुछ और दे, तो इसको हमने सेलेक्ट करना है। इसको हमको पूरे को सेलेक्ट करना है। आफ्टर सिलेक्शन यहाँ पर हम जाएंगे एंड देखिए नीचे की तरफ में आएंगे, यहाँ पर है डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट और चेंज मल्टी लेवल लिस्ट। यहाँ से हम लोग यहाँ पर हम पहले करेंगे, यहाँ पर हम पहला लेवल में आ रहा है ना, पहला लेवल में हमको जो है 1.1 है, बट हमको पहला लेवल में हमको चाहिए रोमन चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ पर पहला लेवल में रोमन डाल दिया एंड देन जो है हमको ये दूसरा लेवल में जो है ये हमने डाला से ABCD नहीं हमारा सो दूसरा लेवल में हम जैसे ही हम ओके करेंगे, तो आपने देखा यहाँ पर कि ए ए यहाँ पर आ गया 1A एंड यहाँ पर 1 2 3। अगर 1 2 3 को भी अगर हमको चेंज करना है, यहाँ पर अगर हमसे मान लीजिए कि रोमन अगर हम कैरेक्टर देना चाहेंगे, तो उसमें भी हम लोग रोमन कैरेक्टर डाल सकते हैं। सो कैसे करेंगे आइए हम लोग फिर से देखते हैं। तो हमारा जो है ये जो सेकेंड लेवल हुआ और ये जो थर्ड लेवल हुआ, तो थर्ड लेवल में जो है हमको क्या करना है, रोमन डालना है एंड रोमन जो है कैपिटल वाला हम डाल देते हैं। तो आप देखें यहाँ पर ये रोमन जो है ये थर्ड लेवल में 1 1 2 3 1 2 एंड इसमें जो है ये 2 का 2 ही आएगा, ए आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंड लेवल में ABC है। सो आपने देखा कि मल्टी लेवल लिस्ट कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो इसमें बहुत जगह हम लोग थेसिस वगैरह में या फिर चैप्टर्स वगैरह तैयार करने के दौरान जो है बुक्स के चैप्टर्स वगैरह में वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बॉर्डर एंड बुलेट्स नंबरिंग एंड मल्टी लेवल लिस्ट समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको एनी क्वेश्चंस अगर होगा, कोई क्वेश्चंस होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।